हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा हमने लास्ट सेशन में पूरा अपना कंटेंट देखा था, हमने चैप्टर्स की बात की थी कि कितने चैप्टर आपके साइंस में आएंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि साइंस की जो ब्रांचेज होती है वो तीन मेन ब्रांचेज हैं यहाँ पर, जो कि आपकी हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, तो हम आपको यहाँ पर इस वाली क्लास में, मेरी क्लास में जो होगा वो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें आपके 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आपको कहा था कि एक बार आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए तो बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चे, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जैसा कि नाम है उसी को पहले समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होते क्या है, अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहला आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया क्या होती है। बच्चे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम केमिकल से, आप समझते हैं केमिकल क्या है, कोई भी रसायन है जो आपकी लेबोरेटरीज में पाया जाता है। आपने अपनी लैब्स में अलग अलग प्रकार के केमिकल्स देखे, ठीक है। आपने HCl देखा होगा, H2SO4 देखा होगा, आपने HNO3 देखा होगा, ये सारे एसिड है। NaOH देखा होगा, KOH देखा होगा, तो ये सारे केमिकल्स है। अब आप केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज क्या है, आपने दो केमिकल्स को आपस में मिला दिया, उसको मिलाने पर क्या हो रहा है। जैसे यहां पर आपको एक अभिक्रिया दिख रही है, यहां पर आपका Cu रिएक्ट कर रहा है HNO3 से और दे रहा है आपका CuNO3 होल टॉयज प्लस 2NO2 और साथ में आपका 2H2O बन रहा है। ये रिएक्शन यहां पर हो रही है। तो यहां पर समझ में क्या आ रहा है आपको, आपने कहा कॉपर के साथ नाइट्रिक, आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो कॉपर और नाइट्रिक एसिड दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और आपको CuNO3 होल टॉइज दे रहे हैं। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है, हमने दो केमिकल्स को मिलाया, मिलाने पर हमें एक चेंज देखने को मिलता है। चेंज के लिए हम एक क्या बोलते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हो रहा है नया। प्रतिक्रिया भी आप कहीं कहीं पर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। सो अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। आपने क्या देखा है, जैसे कि आपका यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया कि ग्रीन कलर है, उसमें आपने कुछ केमिकल मिलाया और ये अचानक से यहाँ गैस बनती हुई आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की। तो यहाँ पर नाइट्रेशन हो रहा है। ओके, नाइट्रेशन में आपको ऐसा कलर दिखता है। जब नाइट्रेशन होता है तो फ्यूम्स निकलती हैं बहुत ज्यादा, ऑरेंज कलर की गैस जैसी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर दो अभिकारक थे। अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया होने से पहले हम यूज में लाते हैं। तो यहां पर अभिकारक क्या है, यहां पर Cu है अभिकारक और HNO3 है, यानी कि रिएक्टेंट जिनको हम कह रहे हैं। ओके, तो ये अभिकारक है जो अभिक्रिया से पहले यूज हुए, एक प्रोसेस के थ्रू गए, ये प्रोसेस है आपकी, अभिक्रिया हुई, उसके बाद आपको उत्पाद मिला। उत्पाद ये है आपके। ओके, सो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक अभिक्रिया या एक रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब एक या एक से ज्यादा अभिकारक बदल जाते हैं किसी उत्पाद में। ओके, तो दैट मींस कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट्स। हो
होता क्या है कि रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट है कोई कंपाउंड है, कुछ किससे मिलकर के बना हुआ है, एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। एलिमेंट आपका किससे मिलकर के बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलते हो कि जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में वो आपस में रीअरेंज होते हैं, पुनः व्यवस्थित होंगे और फिर आपका उत्पाद बनाते हैं। तो पुनः व्यवस्थित किस प्रकार हुए, आपके पास सीयू था, आपके पास सीयू था, इस सीयू के साथ आपने HNO3 को रिएक्ट कराया, तो यही एटम है, यही आपस में रीअरेंज होंगे और नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो कॉपर यहाँ थी सीयू, ये यहाँ जाकर NO3 से जुड़ गए। ये NO3 कहाँ से आया, ये HNO3 से आया, ओके। और जो H था वो फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसने H2O बना लिया। सेम वही नाइट्रोजन जो यहाँ थी वो ऑक्सीजन के से जुड़कर NO2 भी बना रही है, ओके। तो इस प्रकार से एटम आपके पास तीन ही टाइप के थे। कौन कौन से थे बच्चे, यहाँ पर आपके पास एक एटम है Cu, एक H है, एक N के है, एक O के है, ठीक है। तो चार ही प्रकार के आपके पास परमाणु है। इन्हीं चार ही परमाणुओं को आप आपस में जोड़ रहे हैं या अरेंज करके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, ओके। तो अभिकारकों में भी आपको यही चार दिख रहे थे, यही चार है यहाँ रिएक्शन होने से पहले, और रिएक्शन होने के बाद भी यही चार दिख रहे हैं आपको अलग अलग कंपाउंड्स में, ओके, क्लियर है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, एक रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती है जब एक या अधिक अभिकारकों, जिन्हें अभिकारकों के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो रिएक्टेंट से पहले आपके हैं, ओके, को एक या अधिक उत्पादों में बदल दिया जाता है। तो अभिकारकों के घटक परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में पुनः पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, जबकि परिणाम स्वरूप उत्पादों के रूप में विभिन्न पदार्थ बनते हैं, ओके। तो आपने क्या किया, रीअरेंज किया एटम्स को, और जब एटम आपस में रीअरेंज हुए तो आपको क्या मिला बच्चे, प्रोडक्ट मिला। तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, आप दो केमिकल्स को मिला रहे हो, दो कंपाउंड को मिला रहे हो, और दो कंपाउंड को मिला करके आप क्या कर रहे हो, एक नया कोई कंपाउंड बना रहे हो, नया पदार्थ बना रहे हो, नया या नया केमिकल कोई फॉर्म हो रहा है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक बदलाव कब आता है, रासायनिक परिवर्तन कब आता है, जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा तब आप कहते हैं कि वहां पर रासायनिक चेंज या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि नए नए उत्पाद आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार का परिवर्तन ही है, बदलाव तो आ ही रहा है यहाँ पे, ओके ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, फिर आगे अभिक्रिया यानी परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार से आता है आपका। चलिए तो चेंज आपका, बदलाव क्या होगा, बदलाव क्या होता है, आपके पास एक कागज का टुकड़ा था, एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, आपने वो कागज का टुकड़ा मोड़ लिया है, ठीक है, तो बदलाव हो गया, किसी ना किसी प्रकार से आपने उसका शेप बदल दिया है, साइज बदल गया है उसका, तो ये बदलाव है। तो आपने एक्चुअली किया क्या, आपके पास जब कागज की एक शीट होती है, जैसे आपके पास एक कागज की शीट है, सपोज ये कागज की शीट को आपने फोल्ड कर दिया है, तो ये फोल्ड करके सपोज छोटी हो गई है इस प्रकार से, ओके। तो जो वर्तमान स्थिति थी, वर्तमान स्थिति कौन सी थी, ए वाली, सपोज जब शीट आपकी पूरी खुली हुई थी, आपके पास शीट थी, ओके। ए स्थिति से आप बी स्थिति में चले, यानी आपने वर्तमान स्थिति को किसी ना किसी प्रकार से जब बदल दिया है तो उसको आप परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आप कहते हैं भौतिक परिवर्तन, एक आप कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है परिवर्तन के प्रकार, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा। भौतिक गुण आपके क्या होंगे, आपका कलर हो सकता है, आपका साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, ओके। तो ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, भौतिक गुणों में। आपने कहा कि हमने कागज की शीट को मोड़ दिया है, तो कागज की शीट को मोड़ने के बाद उसका साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, लेकिन है तो वो अभी भी कागज ही। अगर हम पदार्थ की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, तो वो उन्हीं कणों से मिलकर के बना हुआ है। जो ए जिन कणों से मिलकर के बना हुआ था, बी भी उन्हीं कणों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा,
आप कलर, आपने किसी चीज को कलर कर दिया, आपने, आपके पास एक व्हाइट पेपर था, आपने उसको रेड कलर कर दिया सब, तो आपने कलर में चेंज किया ना सिर्फ, एक्चुअली है तो वो अभी भी वही कागज। और आप क्या कर सकते हैं, साइज शेप हो गया, स्टेट में चेंज ला सकते हैं। आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है आइस, ये क्या है, जल का ही रूप है H2O। इसको आपने गर्म किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद ये पानी बन गया। पानी भी क्या है, जल का ही रूप है, H2O ही है। इसके बाद आपने इसको और हीट दी, ये आपका स्टीम में परिवर्तित हो गया भाप। भाप भी क्या है, पानी ही है, H2O का ही रूप है। तो तीनों ही रूपों में अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन तीनों रूपों में पाया तो आपका जल ही जा रहा है, H2O ही, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम जुड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो जब भी आप भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करेंगे तो वहां पर भौतिक परिवर्तन होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये ज्यादातर उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, यानी रिवर्सिबल होती है नेचर में। यानी जैसे कि आपने बर्फ से पानी बनाया, तो आप पानी का तापमान फिर से कम कर लीजिए, वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। पानी को आपने भाप में परिवर्तित कर दिया तापमान बढ़ाने से, तापमान कम करेंगे तो भाप आपका पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय प्रकार की के परिवर्तन है, यानी कि रिवर्सिबल है नेचर में। तो फिजिकल चेंज आपको मोस्टली रिवर्सिबल दिखता है, किन्हीं किन्हीं केसों में इसको इरिवर्सिबल भी कहा जाता है। जैसे आपने कागज की शीट को काट दिया है, तो काटने के बाद आप पुनः वैसी ही शीट तो नहीं बना पाएंगे, हाँ पदार्थ वही है लेकिन शीट पुनः आपको वैसी प्राप्त नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है फिजिकल चेंज। इसके अलावा केमिकल चेंज की बात करते हैं अगर, तो केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चे आपका, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो वहां पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे आपने कहा हमारे पास लकड़ी थी, हमने लकड़ी को ईंधन के साथ जोड़ा और साथ में हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर गया, और उसके बाद क्या हुआ, लकड़ी ने जलना प्रारंभ किया, तो आपको कोयला प्राप्त हुआ, आपको राख प्राप्त हुई, आपको अनेक प्रकार की गैसेस प्राप्त हुई। तो आप क्या कह रहे हो, ये नए पदार्थ बन रहे हैं, क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो जब भी नए पदार्थ के बनने की बात होगी बच्चे, दैट मीन्स देयर इज अ केमिकल चेंज, यानी कि वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब भी आपका कोई नया पदार्थ बनेगा, और ये नेचर में कैसे होते हैं, ये इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं, यानी अनुत्क्रमणीय प्रकार के। आपने अगर लकड़ी जला ली है, आपके पास कोयला राख प्राप्त है आपको, तो आप उससे पुनः ये लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, इससे आप पुनः लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये कैसा है, ये इरिवर्सिबल टाइप का है, क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने, हमने परिवर्तन पढ़ा, परिवर्तन यानी बदलाव, स्थिति में बदलाव आ रहा है। बदलाव हमें हर जगह देखने को मिलता है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कि मनुष्य जब पैदा होता है, हम लोग पैदा हुए बहुत छोटे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति में बदलाव आया, एक प्रकार का परिवर्तन आया, समझ रहे हैं। हम क्या हुए, धीरे धीरे हमारे फिजिकल, हमारी ग्रोथ हुई, मेंटली भी हमने ग्रो किया। जब बच्चा पैदा होता है तभी वो बोलता नहीं है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, फिर वो चलना भी सीखता है, फिर वो कई सारी एक्टिविटीज करना सीखता है। तो ये क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव आएगा कि मतलब वहां पर परिवर्तन हुआ है, क्लियर है। तो इस प्रकार से परिवर्तन को दो तरह से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका केमिकल चेंज की, यानी रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। जब भी आप नए पदार्थ के बनने की बात कर रहे हैं, दैट मींस कि वहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, क्लियर है। जब नया पदार्थ बन ही गया है, जब लकड़ी के अपने कुछ गुण थे, ठीक है ना, हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन का। तो आपका लकड़ी के अपने कुछ गुण हैं, जबकि उससे बनने वाला जो कोयला है उसके अपने कुछ और गुण हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग है, कलर में चेंज आएगा, शेप साइज में चेंज आएगा, इसके अलावा रासायनिक गुण भी दोनों के भिन्न है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो नया पदार्थ बनेगा उसके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि आपने CuSO4 का एक सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन, क्लियर। फिर आपने क्या किया, उसमें आयरन की नेल डाल दी, कील डाल दी आपने लोहे की,
कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आपने लोहे की कील डाल दी और आप क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था वो हरा हो गया। इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, जो आपने लोहे की कील डाली वहां पर, उस लोहे की कील में लोहा विद्यमान है, लोहे से कील बनी हुई है तो लोहा विद्यमान है, तो लोहे ने क्या किया, लोहे ने इस CuSO4 से, ये CuSO4 था आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, आपने ये लोहे की कील डाली, Fe डाला, इसने यहां से इस विलयन से इस Cu को विस्थापित कर दिया। समझ रहे हैं, आयरन ने क्या किया, यहां से कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग विस्थापित कर दिया, और कहां कर दिया, इस कॉपर की जो लोहे की कील थी आपकी, यहां पर कॉपर इकट्ठा हो गया। ठीक है ना, आपको हल्का हल्का चेंज देखने को मिलता है कलर में, ठीक है, किसके सॉल्यूशन के और साथ ही नेल के। तो जितनी भी कॉपर थी वो डिपॉजिट हो गई आपकी इस आयरन नेल पे, और जो आयरन था, लोहा था कील का, वो कहाँ चला गया बच्चे, वो सॉल्यूशन में चला गया, और यहाँ अब आपका Cu है और ये सॉल्यूशन किसका बन गया, FeSO4 का। तो FeSO4 के साथ जो क्या जुड़ी हुई थी, कॉपर जुड़ी हुई थी, उसको वहां से हटा दिया, और किसने हटाया, आयरन ने। और कैसे हटा सकता है वो बताओ, जब वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग को हम केमिकल रिएक्शंस की भाषा में क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं, सक्रियता, अभिक्रियाशीलता बोलते हैं, ठीक है। तो जो जितना अधिक अभिक्रियाशील होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील को उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे आपका आयरन यहाँ पर क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, आयरन क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये आपका यहाँ पर रिएक्शन हो गई, सो FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया ग्रीन कलर का, और कॉपर आपकी डिपॉजिट हो गई है आयरन नेल पे, यानी लोहे की कील पर सारी कॉपर इकट्ठा हो गई है। हियर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, टू न्यू सब्सटेंसेस दैट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। यहाँ दो प्रकार के आपके नए पदार्थ बन रहे हैं। हमने क्या बोला, जब भी बच्चे रासायनिक परिवर्तन की बात होती है, आपने छोटी क्लासेस में भी परिवर्तन पढ़ा है, तो जब भी रासायनिक परिवर्तन की बात होगी तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, यानी जब जब नया पदार्थ बनेगा उसका अर्थ है तब तब आपका क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो क्या याद रखना है आपको, रासायनिक परिवर्तन यानी कि नया पदार्थ का बनना। तो यहाँ नए पदार्थ बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, एक तो कॉपर बन रही है और दूसरा आपका फेरस सल्फेट बन रहा है, क्लियर। तो ये हो रहा है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसको अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा। अभी आपको आपको ये जब आप मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे तभी भी ये क्वेश्चन वहां मिलेगा, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, ओके। तो हमने क्या कहा, आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर रही है, लेकिन अगर आप यहीं पे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो ये है इसमें अगर आप क्या करेंगे, कॉपर ऐड करेंगे, आपने सपोज इसमें कॉपर डाल दी, पहले आपने आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया फेरस सल्फेट का और उसमें आपने कॉपर ऐड कर दी, तो कॉपर अब जो फेरस सल्फेट है वहां से फेरस को Fe को आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर, ओके। सो ये आपका केमिकल चेंज हो गया, आप जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नए भौतिक और रासायनिक गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है किसी भी रासायनिक परिवर्तन में। एग्जाम्पल हमने जो देख लिया था वही है यहाँ पर। यहाँ जब कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तो दो नए पदार्थ यानी फेरस सल्फेट और कॉपर बनते हैं, क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें आइसक्रीम पिघल रही है, ठीक है, आइसक्रीम के पिघलने से क्या तात्पर्य, जब ये आइसक्रीम पहले थी तो वो सॉलिड स्टेट में थी, जब तापमान बढ़ा, आप देखते हैं आइसक्रीम को बड़े से फ्रीजर में रखा जाता है और
वहां उसको क्या मिल रहा होता है, कम तापमान मिल रहा होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ता है, अगर आपने फ्रीजर से आइसक्रीम को बाहर निकाल दिया तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, यानी पिघलना शुरू कर देती है। पिघलने से क्या तात्पर्य है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन स्टेट। ठीक है ना, तो ठोस अवस्था से ठोस को यानी सॉलिड को क्या दिया गया, सॉलिड को आपका सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया गया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले ठोस थी आइसक्रीम और अचानक पिघल करके द्रव अवस्था में बदल रही है। तो अवस्था में आपका परिवर्तन आ रहा है, जब भी अवस्था में परिवर्तन आएगा आप क्या कहेंगे, यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है। ओके, इसके अलावा फिजिकल चेंज कहाँ पर देखने को मिला, आपने कहा बड़ी सी कागज की शीट थी हमने काट करके छोटी कर दी, तो वो भी क्या है, वो भी फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। मैंने क्या बोला बच्चों कि भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन, और भौतिक गुणों में परिवर्तन कब आएगा, जब आपने रंग बदल दिया, आपने अवस्था बदल दी, आपने आकार बदल दिया, आपने आकृति बदल दी, तो वो सब क्या है, वो सब भौतिक गुण है और उनके कारण भौतिक गुणों, उन भौतिक गुणों में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो उसका मतलब है भौतिक परिवर्तन हो रहा। क्लियर, तो फिजिकल चेंज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। सो चेंज इन कलर और स्टेट अकर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या कहा, चेंज इन कलर और स्टेट, आपका कलर में चेंज हो सकता है, इसके अलावा आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया है साइज लिख लेंगे, शेप लिख लेंगे, अगर आप उसमें भी चेंज आ रहे हैं तब भी आपका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। ओके, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। आइसक्रीम पिघली लेकिन रहा तो वो आइसक्रीम जिस चीज से मिलकर के बनी हुई है वही पदार्थ रहेगा ना, पदार्थ में तो किसी प्रकार का चेंज नहीं आया। पहले वो बहुत ज्यादा ठंडी थी, तापमान कम था, तो ठोस अवस्था में थी, लेकिन अगर वो पिघल करके द्रव अवस्था में भी चला गया है बच्चों, तब भी क्या हो रहा है, टेस्ट उसका लगभग वही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि पदार्थ वही है, पदार्थ नया नहीं बनेगा। सेम कब हो रहा था, जब मैंने कहा कि आपका ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पानी है और वहां से वो द्रव अवस्था में पानी के रूप में जा रहा है आपका, और वही पानी जब आप उसको और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो गैसीय अवस्था में जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, भाप के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन है जल ही, तीनों रूपों में आपको जल ही दिख रहा है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ओके, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल, वॉटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। Even though steam and water look different when they are made to react with a piece of Na, they react the same way and give the exact same products. Okay, क्या कहा जा रहा है? आपका जो भी यहाँ पर चेंज आ रहा है, हमने क्या पानी से भाप बना लिया, तो दो चीजें आ गई, एक पानी आ गया आपके पास, एक भाप आ गया। तो पानी और भाप आपका, स्टीम एंड वॉटर लुक डिफरेंट, दिखने में तो अलग अलग होते हैं। पानी आपका कैसा होता है, ग्लास में होता है, भाप आपको उड़ती हुई दिखती है हल्की फुल्की। वेन देर आर मेड टू रिएक्ट विद अ पीस ऑफ एनी, अगर वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, कौन कौन, एक भाप करेगा और दूसरा आपका क्या करेगा, पानी करेगा, तो वो दोनों अभिक्रिया सेम तरह से करते हैं। क्यों, क्योंकि है तो सेम ही पदार्थ ना, H2O ही रिएक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, तो चाहे वो भाप करे या फिर आपका पानी करे, द्रव अवस्था में करे या गैसीय अवस्था में करे, अभिक्रिया तो कौन कर रहा है, अभिक्रिया तो जल ही कर रहा है ना, दे रिएक्ट द सेम वे, वो एक ही प्रकार से अभिक्रिया करता है एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट, और क्या देता है, एक जैसे ही उत्पाद देता है, भाप के साथ भी और आपका किसके साथ, पानी के साथ भी। तो क्या कहा हमने, पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है कौन, आपका Na, या फिर किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, भाप के साथ। तो दोनों ही केस में Na कर किसके साथ रहा है, Na कर रहा है H2O से रिए, समझ गए, तो प्रोडक्ट आपका सेम आएगा दोनों ही केसेस। ओके, तो आपकी अभिक्रिया होती क्या है, NaOH प्लस H2 हो जाता है, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो दोनों ही केस में बच्चे, अगर पानी के साथ सोडियम अभिक्रिया करेगा तब भी यही प्रोडक्ट आने वाला है, और अगर भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी H2O है, जो कि रिएक्ट कर रहा है Na के साथ। तो ये क्या हो गया आपका, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन क्या है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी आपका क्या है,
भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना, वो थ्रेड जो जल रहा है, धागे का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन यहां पर धागे का जलना, जो धागा यहां पर जल रहा है, ये धागे का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ओके, लेकिन मोम का पिघलना, पिघल रही है ना, अवस्था परिवर्तित हो रही है, मोम का पिघलना ये कैसा है बच्चे? ये भौतिक परिवर्तन है। क्लियर? तो मोमबत्ती के जलने में आपको दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जहां पर भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज आ रहा है, जब आपकी मेल्ट हो रही है, कैंडल मेल्ट हो रही है ना, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठोस अवस्था से मोम पिघल करके द्रव अवस्था में जा रहा है, कुछ देर बाद आप क्या देखते हो, मोमबत्ती के नीचे फिर से मोम इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन। ओके, तो रंग या अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। साथ ही उदाहरण है, पानी उबलने पर भाप में बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भले ही भाप और पानी अलग दिखते हैं, जब उन्हें Na के एक टुकड़े के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करने के लिए बनाया जाता है, वे उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं और ठीक उसी तरह के उत्पाद देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है आपका। इसमें केवल अवस्था में परिवर्तन शामिल है, इस वाली उदाहरण में जहां पर आप किसकी बात कर रहे हो, स्टीम की बात कर रहे हैं और वाटर, क्योंकि चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, साथ ही हमने परिवर्तन की बात की कि परिवर्तन क्या होते हैं। हमने यहाँ पे दो तरह से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझा और इनके उदाहरण भी देखे। आपको होमवर्क में दोनों परिवर्तनों के बीच अंतर स्थापित करके लिख के लाना है और साथ ही साथ उदाहरण भी लिखने हैं दोनों, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आगे के जो नए टॉपिक्स हैं उनको बुक में पढ़ेंगे अच्छे से, बेस अपना थोड़ा तैयार करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।